तो बच्चों आज के इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग प्याज से डीएनए को आइसोलेट करने वाले हैं। पिछले टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने बनाना और पालक की पत्ती का डीएनए आइसोलेट किया था, पृथक किया था, निकाला था। आज हम बहुत आसान तरीके से प्याज से डीएनए को आइसोलेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आपको एक साबुत प्याज चाहिए, खड़ी प्याज। इसके अलावा इसको काटने के लिए चाकू की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आपको सॉल्ट चाहिए, मेरे पास है, ये लिक्विड डिटर्जेंट के तौर पे हैंड वॉश आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एथेनॉल आप लेंगे जिसको ठंडा किया जाएगा, तो ठंडा करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है बर्फ की, इसी को हम रख चुके हैं थोड़ा सा निकाल करके। और एक नॉर्मल वाटर को थोड़ा सा चाहिए। इसके अलावा हमको ये छन्नी की आवश्यकता पड़ेगी और एक थोड़ा सा स्पून चम्मच की जरूरत पड़ेगी और एक दो स्मॉल बीकर जो है तकरीबन 80 ml का है, एक दो बीकर की जरूरत पड़ेगी। इतने से हम अपना ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अलावा हमको एक ग्राइंडर मशीन चाहिए, मिक्सर। तो सबसे पहले हम मिक्सर का ढक्कन ओपन करते हैं और फ्रिज में साबुत प्याज को छोटा छोटा पीस काट लेंगे, बारीक छोटा छोटा पीस आपको काट लेना है। और फिर देखिए, जिस भी चीज का आपको डीएनए निकालना हो प्लांट बॉडी से, आपको प्रोसेस सेम करना होगा, तरीका यही है। इसी प्रकार से आप सभी चीजों से डीएनए को पृथक कर सकते हैं। हमने प्याज इसमें डाल दिया काटकर, इसमें थोड़ा सा हम नॉर्मल वाटर जो है ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, 30-40 ml की जरूरत है। इतना ऐड करने के बाद आधा चम्मच, छोटा चम्मच लेंगे, आधा चम्मच हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और एक चम्मच के तकरीबन इसमें हम लिक्विड डिटर्जेंट के तौर पे हैंड वॉश को ऐड करेंगे। एक चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, इतना सब ऐड करने के बाद इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं और फिर ले चलते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। इसको ब्लेंड करने के लिए आपको मैक्सिमम 30-40 सेकेंड के लिए इसको ब्लेंड करना होगा मिक्सर में, आप उसको मिक्स करेंगे। चलिए ले चलते हैं। तो ब्लेंड करने के बाद हमारे पास ये, हमने इसको जो है मिक्सर से निकाल दिया है, प्याज का एक गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है, काफी गाढ़ा है। इसको थोड़ा सा और हम हल्का कर लेते हैं। हल्का करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल वाटर, और इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिला देंगे। चालू हो गया, तो इसको जो है बढ़िया से आप एक बार मिला लीजिए पानी ऐड करने के बाद, ये हल्का हो जाए। अब इसे जो है एक छोटे से बीकर में हम छन्नी की सहायता से इसको थोड़ा सा छान करके अलग कर लेंगे। तो हमारे पास ये फिल्ट्रेट मिल चुका है, ये प्याज का फिल्ट्रेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेट को
लेकर के और आप इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल ठंडा होना चाहिए, तो ठंडा इथेनॉल है, थोड़ा सा इथेनॉल हम ले लेते हैं। या एक काम करिए, आपके पास ये फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में इस चिल्ड एथेनॉल को साइड से आप हल्के हल्के थोड़ा सा ऐड करेंगे, बस अब इसे आप ऐसे रख देंगे। आपको थोड़ी देर में डीएनए बहुत ही आसानी से क्लियरली दिखने लगेगा, बल्कि यूं कह सकते हैं दिखने लगा है। जैसे कि पिछले प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किया था, सेम तरीका हम लोगों ने इस बार भी यूज किया है। और डीएनए वैसे ही आपको इथेनॉल की ऊपरी सतह पर व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्ट के तौर पे दिखने लगेगा। ये तैयार है, इसकी जो ऊपरी सतह है वो ट्रांसपेरेंट है, इथेनॉल की लेयर है। उसी इथेनॉल की लेयर में आपको बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के धागे दिखेंगे और वही है डीएनए प्याज के। तो स्पष्ट तौर पे इसको एक बार देख लीजिए, नजदीक लाइए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर आपको डीएनए दिख रहा है। ये जितना आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का स्टैंड, ये डीएनए है प्याज का, जिसे हमने आइसोलेट किया प्याज से। देख लीजिए कितना प्यारा दिख रहा है। ये सभी व्हाइट कलर के स्टैंड डीएनए हैं प्याज के।